सब्सक्राइब करें जीबी शो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। यूट्यूब समाचार के एक फ्रेश और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहली खबर उठ के आ रही है वो ये है कि गूगल पिक्सल 2 और गूगल पिक्सल 2 एक्सएल में अभी 10,000 रुपए का कैशबैक चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, अगर आपके पास है सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड। अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड तो अगर आप जाके आज खरीदते हैं, जो फोन है 50,000 रुपए का गूगल पिक्सल 2 64 वेरियंट वाला, वो आपको मिल जाएगा 40,000 रुपए में। 10,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप इंटरेस्टेड है तो। बट मेरा सजेशन है कि इससे पहले कि आप ये फोन बुक करें, आप जाएं और देखें बहुत सारे अच्छे अच्छे फोन्स इससे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है मार्केट में, जो इससे अच्छे फीचर प्रोवाइड करते हैं और इससे बहुत ज्यादा सस्ते हैं। जो दूसरी खबर आ रही है वो है जियो की तरफ से। जियो यहां पर प्लान कर रहा है वाईफाई हॉटस्पॉट सिटी में देने के लिए ताकि उनके नेटवर्क में जो कंजेशन है वो ज्यादा ना बढ़े। जैसा कि आप सभी को पता है कि जियो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क आज की डेट में बन चुका है, क्योंकि इंटरनेट इतने सस्ते में दे रहा, हर इंसान के पास जियो की सिम है जो कि इंटरनेट या डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर उनके नेटवर्क में जो कंजेशन आ रहा था, कभी डेटा स्लो हो जाता है, कभी कॉल नहीं लगता, उस चीज से बचने के लिए अब जियो ये कर रहा है कि वो वाईफाई हॉटस्पॉट लगा देगा सिटी के अंदर हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे। उससे क्या होगा कि अगर आपको डेटा यूज करना है तो आप जियो के हॉटस्पॉट से, आपको ऑब्वियसली उसका कुछ चार्ज देना होगा, अगर आप उस जियो से रिचार्ज दें तो आप ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो आप इंटरनेट उससे यूज कर सकते हैं, तो आपका कॉल में कंजेशन कभी नहीं आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। जियो प्लान कर रहा है हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, इन सबके पास हॉटस्पॉट लगा दिए जाएंगे जिससे कि उनके नेटवर्क का कंजेशन बच जाए और ज्यादा से ज्यादा जियो बिके। जो अगली खबर आ रही है वो है जीमेल की तरफ से। गूगल ने यहां पर लॉन्च कर दिया है जीमेल गो ऐसे एंड्रॉइड फोन्स के लिए जिनकी स्पेसिफिकेशंस नहीं है उतनी अच्छी। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब गो भी लॉन्च है, एंड्रॉइड गो भी लॉन्च है। कोई भी चीज जिसके बाद गो लगा रही है गूगल, उसका यह मतलब है कोई भी फोन ऐसा हो जिसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं हो उसमें वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन यूज किया जाएगा। अगर YouTube Go है तो जहां पर नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है वहां पर आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं YouTube Go से, ऐसे ही आप Gmail Go भी आ गया है। यानी कि अगर आपके फोन की स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत नॉर्मल फोन है, सिर्फ 1 GB का रैम है, बहुत छोटा प्रोसेसर है, तब भी आप जीमेल बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। बट लाइट वर्जन ऑफ जीमेल गूगल ने लॉन्च कर दिया और उसका नाम रखा है जीमेल गो। जो अगली खबर आ रही है वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बिक्सबे, उसको इंटीग्रेट वो लोग कर रहे हैं अपने होम अप्लायंसेस में। अगर आपके पास है फ्रिज, टीवी या एसी या कोई भी ऐसा होम अप्लायंस जो सैमसंग का है तो उसमें अब बिक्सबे इंटीग्रेटेड आएगा। यानी कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन भी है तो आप उन अप्लायंसेस को या उन डिवाइसेस को अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि इतने बजे चलना है, इतने बजे बंद होना है। ये सारी चीजें आगे चल के होने वाली है। सैमसंग देखिए यहां पर उसने क्या किया था, ऑब्वियसली सैमसंग एंड्रॉइड यूज करता है, उसके ऊपर उनकी जो भी थीम है बट जो बेस है वो एंड्रॉइड है, बट वो कभी भी एंड्रॉइड का या गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं करता, वो यूज करता है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन्होंने खुद ने बनाया बिक्सबे। रीजन यही है ताकि वो अपने बाकी प्रोडक्ट्स की भी सेल बढ़ा सके इस कारण से, ताकि बाकी प्रोडक्ट्स को भी वो लिंक कर सके और ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स बिक सके। जो अगली खबर आ रही है वो है कोमियो की तरफ से। कोमियो ने यहां पर अपने 2 बजट फ्रेंडली फोन लॉन्च किए, नाम है S1 और C2। कीमत रखी गई है 7,500 रुपए और 6,000 रुपए। 6000 वाले फोन में आपको 1.5 GB की रैम मिल जाएगी, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, 7500 वाले में आपको 2 GB की रैम मिल जाएगी और इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा 1.3 GHz का क्वाड कोर का मीडिया टेक का प्रोसेसर। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अपने आसपास की जो दुकानें हैं वहां से खरीद सकते हैं आराम से जाके। बट मैं सजेस्ट करूंगा यार, शाओमी है, वन प्लस है, बहुत सारे और अलग अलग फोन हैं, उन्हें भी चेक करो, नया ब्रांड है, पता नहीं क्या सर्विस है क्या सर्विस नहीं है। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था Xiaomi का Mi Mix 2 और अभी एक रूमर से पता चल रहा है कि Mi Mix 2S हो सकता है लॉन्च 2018 में, और लीक से पता चल रहा है कि उसमें सोनी का IMX363 सेंसर हो सकता है और एंड्रॉइड ओरियो भी आ सकता है। ये सिर्फ एक रूमर है, आगे हमें देखना है क्या होता है क्या नहीं। बट Mi Mix 2 बहुत ही सुंदर फोन था, बहुत ज्यादा बिका है, तो 2S से भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बट यहां Xiaomi जो भी निकालता है अच्छा निकालता है, सस्ता निकालता है, तो हमें देखना है Mi Mix 2S क्या करने वाला है। तो दोस्तों यहां पर मैं समाचार समाप्त करना चाहूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समाचार के बारे में पता लगा सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।